الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واتيوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول इन इनकन तुम तो मिनुन बिल्ला आख़िर अहसन उमसनतावीला हर किस्म की हमदोसना किबरियाई बड़ाई रब्बुल रब्लमीन के लिए लायक जेबा सज़ावार है जो रब्बुल रबालमीन अर्ज़ो समा का एक वाल मालिक तनहा इबादत के लायक है नबी हबीब मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर और सलाम नाजिल हो मोहतरम हाजरीन इनशाल्ल कुछ देर में शेख सलाहुद्दीन मकबूल हफिज़हुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे कुछ बातें मैं इस दरमियान में आप लोगों के सामने नबी करीम अलैहि वसल्लम के मुतालिक ब बतौर ईद तेवार के नाम पर माशरे में जो एक चीज़ राइज है जिसे हम लोग जश्न ईद मीलादी याद मीलादनबी इन ख़स्मों के नामों से जानते हैं उसी के मुतालिक कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्लमी ला कुरान मजीद में रिशात फरमाया या युह आमनु आ मनु अति वति और ए ईमान वालों अल्लाह की इतात करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करो वाती और रसूल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और के इत का हुक्म दिया है फरमाया है वो वहिलम्रमिन कुम मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे थोड़ा इसतनाईत का इस्तेसना करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका हुक्म दिया है बीच में वाव लाया है फिर इसके बाद जो सबसे अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ बताई है वो ये है फाइन तनाज़ा तुम्फी शयिन। अगर तुम्हारे दरमियान किसी मसले को लेकर अगर इख्तलाफ हो जाता है तो फिर उसका हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते हैं कि अगर तुम में किसी चीज़ का अगर इख्तलाफ़ हो जाए फ़र उद्दू अल्ला व रसूल हम अपने इख्तलाफ़ों में भी अल्लाह के तरफ लौटना है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के तरफ लौटना है यकीनन मैं समझता हूँ आज हमारी उम्मत में जिन मसाइल से हम दो चार हैं जिस परेशानी में हम दो चार हैं जहाँ दीन इस्लाम जो एक नेमत बनकर ज़मीन पर उतरा जिसने 120 साल से भी ज़्यादा आपस में लड़ने भिड़ने खून और क़त्ल गारदगिरी में मशगूल रहने वाले कबीलों को ख़ानदानों को जोड़ दिया जो अमन आम, का पैम्बर जिसने दुनिया में इंसानियत के रमूज सिखाए जिसने सरापा रहमत ही रहमत इंसानियत का कालमबरदार बनकर ज़मीन पर आया उसके मानने वाले उस पर ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमान जिस परेशानी और जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं जिस चीज़ से दो चार हैं वो है इख्तलाफ़ात। वो है इख्तलाफ़ात। और ये चीज़ हमारे अंदर इस तरीक़े से जड़ पकड़ चुकी है कि वो तमाम फरामीन नबी आए तो अल्लाह ने रहमतल्लामीन बना कर भेजा सरापा जो है नबी करीम अलैहि वसल्लम के तालीमात अमन के पैम्बर हैं उसके बावजूद सबसे ज़्यादा इख्तलाफात अगर किसी के पास है तो हमारे ही पास हैं जबकि ये वो मजहब है ये वो दीन है जब ये ज़मीन पर आया तो दुनिया के तमाम इख्तलाफ़ात का ख़ात्मा कर दिया इंसान नुमा हैवान जो ज़मीन पर बस ज़िंदगी गुज़ारा करते थे उनके अंदर इंसानियत की बीज बोई अदावतें नफ़रतें ख़त्म करके प्यार व मोहब्बत की फजा क़ायम की मोहतरम दोस्तों वही रब्बुल रब्बूल जो पैगाम हमें दिया है उस पैगाम पर अगर हम ज़रा सा ग़ौर करें तो दोबारा हमारे अंदर जो इख्लाफा हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो सकते हैं वह कदूरतें वो नफ़रतें वो सब ख़त्म हो सकती है तो अल्लाह ने कहा उसका हल ये है कि फ़ैन तनाजा तुम फीशी अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ़ हो तो इस इख्तलाफ़ का ये हल नहीं है कि आप किस कबीले और ख़ानदान से हैं ये नहीं कि तुम किस जमात और किस मसलक और क्या बल्कि हल अल्लाह के रसूल सल्लाबिन ने कहा फ़ौदी व रसूल और अल्ला के रसूल सल्ला वसलम के तरफ हमें रुजू करना है और जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ला वसम के फरामीन में हमें अपने मसाइल का हल मिल जाता है वहां हमें मतम हो जाना चाहिए वहां हमें मतम हो जाना चाहिए मोहतरम दोस्तों अल्लाह रबालमीन ने इतलाफ़ को हराम दिया है इतलाफ शत इस्लामिया में बड़ी बड़ा खबी अमल करार पाया है बड़ी बुरी चीज़ है अल्लाह रब्बुल रबुलमीन जिस दीन को हम तक पहुँचाया है वो बड़ा प्यारा दीन है उसमें इंसानों को जोड़ने और आपस में भाईचारगी की तालीम देती हैं ये चीज़ कब पैदा होती है जब हम कुरान और हदीस के तालीमात से रूगर्दानी करते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर आती हैं अल्लाह आलमीन ने कुरान मजीद में इशात फरमाया बाद मा तबयना लहुल हुदा आपके पास हिदायत आ चुकी है सही रास्ता आपको मालूम हो चुका है किताबुल्लाह की तालीमात आपके पास है सुन्नत रसूल की तालीमात आपके पास है उसके बावजूद आप जो है इख्तलाफ रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मोड़ते हैं इनहराफ करते हैं वयत्तबे तब गैर रसीबीलम और मोमिनीन का जो रास्ता है उस रास्ते से हटकर किसी और रास्ते की तरफ रुख करते हैं तो फिर बतौर अजाब अल्लाह आलमीन। ही नी मातवल्ला तुम जिस राह पर निकल पड़े हो जिसमें तुम अपना अंजाम तलाशते हो अल्लाह उसी तरफ तुम्हें मोड़ देगा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वह नुसली ही जहन्नम सात मसीरा और हमारा ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में कर देगा और क्या ही बुरा ठिकाना है यानी इससे बात मालूम होती है कि इख्तलाफ़ात अगर हो तो नबी करीम अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत के अंदर उनके तरफ रुजू होने से अख्तलाफा ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उसके अलावा कोई और अगर रास्ता तलाशेंगे तो सिवाय अजाब और मुसीबत के कोई और राह नहीं हैं दोनों बातें मालूम हो गई हैं अब आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत में जितनी भी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत कहा है बतौर इबादत करने का हुक्म दिया है उसके लिए दो शर्तें हैं कोई भी अमल उसी वक्त इबादत बन सकती है जब उसके अंदर दो शर्त पाई जाए किसी काम को हम अल्लाह के रजाजोई के लिए करते हैं इबादत तस्वर करके करते हैं जब तक उसके अंदर ये दो शर्तें ना पाई जाएगी वो इबादत नहीं कहलाएगी उन दो उन दो शर्तों को आप देख ले पहली शर्त इखलास है पहली शर्त इखलास है हम जो भी अमल करें मिसाल के तौर पर हम हज को जा रहे हैं और हमारे हज को जाना इखलास पर मुश्तमिल नहीं है थोड़ा दिखावा थोड़ा कुछ और या कोई ऐसा अमल जो गैर-अल्लाह की भी शिरकत उसमें शामिल हो शिरक की आमेजिश हो तो हमारी जो पहली शर्त है वो फौत हो जाएगी इस अमल में पहली जो शर्त है वो फौत हो जाएगी इस अमल में दूसरी शर्त आप जो भी इबादत कर रहे हैं चाहे नमाज पढ़ रहे हैं चाहे रोज़ा रख रहे हैं सिर्फ़ अल्लाह आलमीन की रज़ा जोई के लिए सिर्फ़ अल्लाह आलमीन के मोहब्बत में पूरे इखलास के साथ आप कर रहे हैं लेकिन उस अमल के अंदर उस इबादत के तरीके को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेन ही बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आपने नहीं किया तो ये आपका दूसरा शर्त है फिर वह इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगी तो कोई भी अमल जब हम करें तो उस अमल के अंदर ये दो की दो चीज़ें पाई जाना ज़रूरी है पहली चीज इखलास, दूसरी चीज उस अमल को नबी करीम अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमें करनी चाहिए जब ये दो चीज़ों से हट जाती है तो वह इबादत मरदूद हो जाती है धुतकारी जाती है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आज हमारे माशरे के अंदर जड़ पकड़ चुकी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इबादत ना रही हो जिसको ना नबी ने किया हो जिसको ना साहबा ने किया हो अगर वो बात के दौर में की जाती है अगर वह हमें कितनी भी भली मालूम हो कितनी भी अच्छी मालूम हो वो मरदूद है उसका एतबार शरीत इस्लामिया में नहीं होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को बिदात कहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ेकार था कि अपने तमाम जुमो के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम बिदअतों के मुतालिक डराते थे बड़ी ताकीद के साथ उससे बचने का हुक्म देते थे बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कहा मन अहद सफ़ी अमरीना हाजा माल समिनफ़हर जिसने भी हमारे दीन के अंदर किसी नई चीज़ को लाया वो मरदूद है और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर फरमाया मन आमिला अमरुना जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिसको हमने नहीं किया हो यानी रसोल्ला ने जिसको नहीं बताया हो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो वह अमल बातिल है वह अमल मरदूद है हज़रत हुज़ैफ़ रज़ी का एक बड़ा मशहूर कौल है कहते हैं रजी अल्लाह कुल्लु इबादत अब महमदिन सल्ह फ़लाबुहाज़रतफ़ा रजी अन्हु कहते हैं चाहे कोई भी इबादत हो अगर उसे नबी करीम अलैहि वसल्लम के अहाब अगर उसे ना करते हों तो वो इबादत में शुमार नहीं होगी तुम उसे इबादत मत तस्वर करना उसे ना अपनाना ये हजरत हुजैफ़ा रजी अल्लाह कहते हैं हजरत हुज़ैफ़ा के इस कौल की शर्े करते हैं हजरत अब्दुल्ल इबन मसूद रजी अन्हु कहते हैं फलाता अब उसकी इबादत ना करना वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी अमल को चाहे वो कुरान से हो चाहे वो हदीस से हो साहबा इकराम रिजवानल अज़माइन की ज़िंदगियों की इक्तदा करें तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी इबादत सही है इबादत का कार क्या है इबादत किस तरीके से करनी चाहिए इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं जो जो भी इख्तिदा करना चाहे मन का निन कुम मुस्तना फलियस्तन मन ख़दमात कहते हैं कि तुम में से जो भी इक्तदा करना चाहें तुम्हें चाहिए कि उन लोगों की इब्तः करें जो मर चुके हैं उन सहाबा इकराम कराम रिजवानल्ही मजमाइन की इक्तदा करें उलाई का साहब मोहम्मद उम्मा वो मोहम्मद वसल्लम की उम्मत है जो इस पूरे कायनात में सबसे बेहतर लोग थे वो अबरूहालूबन दिलों के एतबार से वो बड़े पाकिज़ा थे साहबा इकराम रिजवानल आजमैन दिलों के एतबार से बड़े पाकिज़ा थे इल्म के अतबार से बहुत पुख्ते थे तकल्लुफ़ के अतबार से बहुत कम तर थे बेानतहा कम तकल्लु करने वाले थे और अल्लाह रब्लम ने उन्हें चुन लिया महम्मद सल्ह वसलम के साथ इस दिन की जिम्मेदारी को बाद वालों को पहुँचाने के लिए उसकी तबलीग के लिए इस दिन की इकामत के लिए इस दिन की तोहद को दुनिया के घर घर तक पहुँचाने के लिए अल्लाह रबालमीन ने साहबा इक्राम रिजवान मजमाइन को चुन लिया तो कहते हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इनकी इक्तदा करो फ़ैन नम कानद बेशक ये हिदायत पर थे राह रास्त पर थे सिरात मुस्तकीम पर थे तुम इनकी इक्तदा करो बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हजरत इमाम मालिक रही आल का यह कौल है मन इब्तदा फिल इब्तदाफ्लामी बिदातन हसना जो भी आदमी किसी भी चीज को दीन इस्लाम के अंदर करता हो ये समझ कर करता हो इमाम मालिक रही कह रहे हैं ये समझ कर करता हो कि ये तो बिदात हसना है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है इसके करने में क्या बुराई है फ़क़त अन्ना मोहम्मद अलैहि वसल्लम ख़ान रिसाला कहते हैं इमाम मालिक कि गोया के उसका ये कहना कि यह बहुत अच्छी चीज़ है गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्ज़ाम तो 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 बांधना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिसालत को मुकम्मल नहीं किया अपने रिसालत को मुकम्मल नहीं किया और कुरान की इस आयत की तिलावत करते हैं इमाम मालिक कहते हैं अलम अकमल तोल व वत्मम तो नेमती व रजी तोलकुम इस्लाम दीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम वसलम विदा के मौके पर विदा के मौके पर तमाम इकराम इक्राम रजवानल मजमाइन की हाजरी में यह आयत नाजिल होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के सामने इस दीन इस्लाम के अख्ताम की महर लगाई कहा कि यह दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका आज के बाद जो भी चीज़ आएगी वो इस दीन इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं होगी तो इमाम मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की इस आयत को हमने नहीं समझा क्या इस कुरान की इस आयत को हमने नहीं पढ़ा और कहते हैं ला दीन यौम दीनान जो चीज़ उस वक्त दीन नहीं होगी वो आज दीन नहीं हो सकती जो चीज़ उस वक्त उम्मत को सुधारने के लिए जो चीज़ मुतन थी वही चीज़ बाद के दौर के लिए भी होगी कोई नई चीज़ इस दीन के अंदर अच्छी हो और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छूट गई हो नाऊज बिल्ला नाऊज बिल्ला यानि रिसालत मुकम्मल नहीं हुई ये तसवूर है ये ख़याल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिसालत के अंदर कभी कोई खियानत नहीं की बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े हर तकलीफ़ को सहा और अपनी ज़िंदगी का हर कोशिश करके उन्होंने अपनी रिसालत को उम्मत तक पहुँचाने की, की पूरी की पूरी कोशिश की है इसके बाद आज हमारा ये तसर करना कि ये अच्छा है और ये बुरा है नाऊज ये दीन के साथ खिलवाड़ है ये दीन के साथ खिलवाड़ है और हमें यकीनन ये चीज़ करना नहीं चाहिए इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर साहबा सह, इक्राम अलैहि मजमाइन को वास नसीहत कर रहे थे और जिस वक्त नसीहत कर रहे थे इतना आ, आ, इस तरीके से नसीहत कर रहे थे कि मोज़त वज वजीलतमिन क्लूब वजाराफ़त बिनयून बल्कि ऐसा ऐसा वाज व नसीहत इस तरीक़े से कर रहे थे कि आँखें बह पड़ी दिल जो है गमज़दा हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा महसूस होता है कि कोई अलविदाई खुतबा दे रहे हैं आप और साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें वसीयत कीजिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तखवे की वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ समोतात की वसीयत करता हूँ और अगर तुम पर एक मामूली सा बंदा भी अगर अमीर बन जाए तो तुम उसकी इतात करो उसकी बात को मानो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात की कहा फसयरा कसीरा कहते हैं कि तुम में से जो आगे के दिनों में दे, तो आगे जो जमाना आएगा उसमें तुम देखोगे कि लोग में पड़ जाएंगे किसमें में पड़ जाएंगे फलई कुम भी सुन्नति वन्नतिफाशिदीन सलाम वरम फल शेख आइए आइए शेख आइए शेख आ चुके हैं मैं बात मुख्तर करता हूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को और जो है खुल्फा राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लें खुल्फा राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लें मोहतरम सामीन यहां यह बात हमें मलहूज रखना चाहिए इब्ने मसूद रजी अनहु की का जो खल मैं आप लोगों को बताया और उसी तरीके से हजरत हज़रत हुज़ैफा रजी अनहु की आ रजी अल्लाह का जो खल मैं आपके सामने बताया इससे यह बात खुलकर सामने आती है कि किस चीज़ की इबादत हमें करनी चाहिए और किस चीज़ की इबादत हमें नहीं करनी चाहिए और हम उन उनबा इकराम के मुतालिक ये तस्वर करना कि जो साहबा इकराम रिजवान मजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के से इशारों पर अपनी जानों को कुरबान कर देते थे जिसके सैकड़ों मिसालें हैं वो साहबा इकराम रिजवान मजमी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद नहीं मनाते थे बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 600 साल तक जिसके जिसका कोई वजूद नहीं था जिसका कोई तस्वर नहीं था सहाबा में ताबेन में तबे तबीन में उनके बाद वालों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है ऐसी चीज के मुतालिक हम ये कहें कि ये बेहतर है या हम अपनी राय क़ायम करें वो सहाबा जिन्होंने कितनी मिसालें आप देखेंगे कि कई सहाबा आपको ऐसे मिलेंगे बल्कि <coughs> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समोतात में साहबा इकराम अलैहि अजमाइन की जो मिसाल थी तारीख हैरान है ऐसी मिसालें नहीं पेश करती ऐसी मिसालें पेश नहीं कर सकती बल्कि बाज मरतबा कुफार से एक कोशिश की गई कि वसल्लम के पास इस दावत को दीन इस्लाम को रोकने की कुछ तदाबीरें उन तदाबीरों में से एक तस्वीर ये थी कि खासिदों को भेजा गया कि अलैहि वसल्लम को कुछ चीजों पर मनवाया जाए इख्तसार के साथ मैं बात कर रहा हूं तो वो लौट कर जो जवाब देते हैं कहते हैं कि मैंने जमीन पर बड़े बड़े बादशाहों को देखा कैसर को देखा किसरा को देखा जमीन पर हुकूमत करने वाले बेशुमार को देखा लेकिन किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा मोहम्मद की तरह किसी ऐसे शख्स को मैंने नहीं देखा जो दिलों पर हुकूमत करता हो जब वो कहता हो तो लोग मैदान अमल में कूद पड़ते हैं जब वो थूकता है तो लोग उसके थूक चिमट लेते हैं जब वो वजू करता है तो उसके पानी पर लपक पड़ते हैं उसके कहने के मुंतजिर होते हैं मैदान अमल में कूद जाते हैं तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह रसुल्लाम की सहाबा के साथ ये मिसाल है इस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आपकी कही हुई बातों को अपनाने के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए कई सहाबा करम अपनी जिंदगियां लगवा दी बल्कि सूली पर चढ़ने के बाद सिर्फ नबी करीम वसल्लम को बुरा और भला कहने की वजह से उनकी जान बच सकती थी दोबारा वो दुनिया के तमाम खुशियां हासिल कर सकते थे मगर उन्होंने हरगज हरगज बर्दाश्त नहीं किया अपनी जान को कुर्बान कर दिया ये नबी से मोहब्बत थी वो सहाबा इकराम रिजवान अजमईन कभी अपनी जिंदगियों में किसी ऐसे त्यौहार को नहीं मनाया किसी ऐसी नई चीज़ को नहीं माना आप अंदाजा लगाइए कि इन साहबा इकराम से ज्यादा हमारा ईमान मुमकिन है हम किस तरह के फैसले कर रहे हैं किस तरह की तालीमत की इक्तदा में लगे हुए हैं तो मोहतरम दोस्तों मैं बात को इक्तसार करते हुए सिर्फ इतनी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह जो अमल है छह सदियों के बाद इसका ईजाद करने वाला इस मिलादुल नबी को ईजाद करने वाला अबू सईद कोकबूरी इबन हसन अली इब्ने मोहम्मद अल्मुलक आजम के नाम से मारूफ है तकरीबन ये जो है 600 सौ सदी के बाद यह आया है बल्कि मौलाना रशीद अहमद गंगो ही इसके मुत लिखते हैं कहते हैं कि एक ऐसा बादशाह था जो नाच गाने को बहुत ज्यादा पसंद करता था महफिले सजाता था नाचने वालों को बुलाता था ईद मिलाद के नाम से रक्स हुआ करता था गाने बजाने हुआ करते थे ये बहुत सारी ऐसी बुराइयां इसके अंदर पाई जाती थी मौलाना रशीद अहमद गंगोई लिखते हैं बल्कि बाद के दौर में एक ऐसा मुफ्ती भी आ गए एक ऐसा मुफ्ती भी आ गया जो अबुल खत्ता उमर बिन, उमर बिन अल हसन मारूफ के नाम से जिसने इस पर फतवा दिया और उसने ये कहने की जुरात की कि यह जायज है बल्कि करना चाहिए इस तरह की बातें बल्कि उसने लालच और हवस में इस इसके मवाद पर एक किताब भी लिखा और उस किताब को जो है इस बादशाह के दरबार में पेश किया गया और तकरीबन जो है एक हजार अशरफियों का इनाम भी उसे मिला हाफिज़ ने हजर बात को मैं लंबी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि शेख के सामने कहने की जुरात भी नहीं है गुफ्तु बस इक्तारबन हजर मरूफ शख्सियत है तमाम मोहताज तारुफ नहीं है उस जे ऐसे बड़े शख्सियत कहते हैं किसी का कौल नकल करते हुए कि ये एक ऐसा आदमी और एक ऐसा इंसान था जो उलमा से चिड़ता था उलमा को गालियां देता था उलमा से दूर रहता था उलमा के मुतालिक बहुत गलत बातें फैलाने की कोशिश करता था अब देखिए जिस त्यौहार के ऊपर आज हम जड़े जमे हुए हैं जिसके हकीकत यह हो जिसके बदले में हमें सुन्नतें पामाल हो रही है नबी की मोहब्बत पामाल हो रही है हकीकत मोहब्बत तो ये थी कि जिस तरीके से साहबा सह, इक्राम रिजवान मजमैन अपनी जिंदगियों में सुन्नत को लागू किए उस तरीके से हम सुन्नत को अपनाते हैं। तो ये नबी की मोहब्बत होती इस तरीके से जो दूसरे धर्मों में भी आपको महसूस होता कि पूरी जिंदगी में इताते वाली नजर नहीं आती मगर उसका एक दे मुतन होता है मोहब्बत पूरी जिंदगी में नजर नहीं आती उसका एक दे मुत होता है एक दिन मुतन करते हैं इस तरीके से लेकर तमाम इसी तरीके का एक अमल है ये कि पूरी जिंदगीों में जहां नबी की इतात मोहब्बत और जो है दुनिया के बेशुमार मुजा रसूम उसको छोड़कर कुर्बानियां देकर नबी की शक्ल सूरत उनकी सुन्नतों को अपनाने का जहां वक्त होता है उस वक्त तो हम नजर नहीं आते लेकिन इस तरह से महफिलें सजाकर उस नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो सहाबा इकराम अजमईन के बिल्कुल तरीके के मुखालिफ हों उसे अपना लेना ये दीन नहीं है ये गुमराह ही है बल्कि फायदा भी है कि जितना ज्यादा मुआरे के अंदर बिदातों का रिवाज होगा उतना ज्यादा सुन्नतों सुन्नतें हमसे फौत होती रहेगी सुन्नतें हमसे छूटती रहेगी बिदतों से बचना ही सुन्नतों की इक्तदा है सुन्नतों क्योंकि सुन्नतों का सुन्नतों का जो ताल्लुक है वो इल्म से है बिदतों का जो ताल्लुक है वो जिहालत से है अब अंदाजा लगाइए जहां बिदात फैलेगा वहां जिहालत फैलेगी जहां सुन्नत फैलेगा हिदायत और इल्म आगे बढ़ेगा तो मोहतरम दोस्तों हमें चाहिए कि किसी भी तरीके से हम इन बिदात की हकीकत को समझे ना कि इस चीज को लेकर ना कि इस चीज को लेकर हम इख्तलाफात के शिकार हो कि फला मसलक वाले करते फला नहीं करते इसीलिए मैंने आपके सामने असलाफ के बहुत सारे अखबारों को नकल करके एक बात आपके सामने रखने की कोशिश की है कुरान और हदीस इन दो को हाबा ने जिस तरीके से समझा है सहाबा ने जिस तरीके से अमल किया है वो अमल हमारे लिए राह नजात है वो अमल इमाम मालिक का खौब आपने सुना भी, वही अमल हमारे लिए जो है राह हिदायत है उसके अलावा कोई अमल हमारे लिए राय हिदायत नहीं है स, अल्लाह रबालमी ने हमें जब भी इख्तलाफ आए अल्लाह रब्लम तो अखौल है हम इख्तलाफ की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे एक दूसरे पर तानो तशनी करने लगे मस्जिदें अलग कर ले मुसल्ले अलग कर ले इख्त का बाजार गर्म करें, नहीं बल्कि इसका हल ये है कि फैंत तनाजात फीशीन फर उद्दूल क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि दीन इस्लाम मुकम्मल है कामिल है मुकम्मल है और कामिल है जब मुकम्मल और कामिल है जब हम में इख्तलाफ भी अगर आएगा तो उसका हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हल होना चाहिए तो हल अल्लाह आलमीन ने बता दिया है तो बहर कैफ इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इनशाला आज हकीकतन शेख के पहुंचने तक मैं कुछ कहने की जुरात की आज हमें शेख को सुनना है इनशाला फिर उसके बाद हमें अगर किसी सवाल और जवाब हमें कोई का सवालत वगैरह अगर हमें हों तो इन हम जो है शेख से पूछेंगे और इस्ता करेंगे वो मालबाला